शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार की नीतियों का खामियाजा प्याज उत्पादक किसानों को भुगतना पड़ा है। इस दौरान प्याज को मिट्टी मोल दामों पर बेचना पड़ा है। कुछ किसानों ने तो गुस्से में प्याज को नष्ट कर दिया है, तो कुछ किसानों ने प्याज को भेड़ों के हवाले कर दिया है। अब इस तस्वीर को बदलने के लिए किसान संघ ने आवाज उठाई है। इसको लेकर 15 जून को नासिक जिले के येवला में प्याज उत्पादक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किसान संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में अकोला जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता येवला जाने वाले हैं। प्याज उत्पादक किसान सचमुच परेशानी में आ गए हैं। उन्हें उनके माल की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। प्याज बाजार में ले जाने के बाद किसानों का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। बाजार में गिरती कीमतों के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल कीमतों में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन किसानों के लिए 5 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचने का समय आ गया है। लागत खर्च नहीं निकल पाने के कारण कुछ प्याज उत्पादक किसानों ने अपनी प्याज की फसल पर हल चला दिए हैं। इस वर्ष प्याज ने किसान की आंखों में पानी ला दिया है। इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए येवला में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों के प्याज उत्पादक किसान शामिल होंगे। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।